नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योग्राफी लर्निंग हाउस में। आज का हमारा टॉपिक है संघनन। तो आइए दोस्तों, जानते हैं संघनन होता क्या है। जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही संघनन कहा जाता है। यदि हवा का तापमान उष्मांक बिंदु से नीचे पहुँच जाए तो संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है। संघनन की प्रक्रिया पर वायु के आयतन, तापमान, वायुदाब एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। आइए ड्यू पॉइंट को भी जान लेते हैं, होता क्या है। हवा का कोई भी नमूना जिस तापमान पर संतृप्त हो जाए उस तापमान को ओस बिंदु या ओसांक ड्यू पॉइंट कहा जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि ओस बिंदु कोई एक निश्चित तापमान नहीं है। दोस्तों, संघनन की प्रक्रिया दो स्थानों पर संपन्न होती है। वन, धरातलीय सतह के पास। नंबर टू, धरातलीय सतह के ऊपर। तो आज हम बात कर रहे हैं धरातलीय सतह के पास। धरातलीय सतह के ऊपर वाले को हम प्रेसिपिटेशन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं संघनन के कौन कौन से रूप होते हैं जो इस प्रकार से हैं। ओस, हवा का जल वाष्प जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर पड़ी वस्तुओं, घास, पत्तियों आदि पर जमा हो जाता है तो उसे ओस कहा जाता है। ओस के निर्माण के लिए साफ आकाश, लगभग शांत वायुमंडल, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता एवं ठंडी तथा लंबी रातों का होना आवश्यक है। ओस के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि तापमान हिमांक से ऊपर हो। पाला, जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे होती है तो जल वाष्प जल कणों के बदले में हिम कणों में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही तुषार या पाला कहा जाता है। पाला का निर्माण के लिए उन सभी अन्य परिस्थितियों का होना आवश्यक है जो ओस के निर्माण के लिए हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने और योग्य है, ओस एवं पाला ऊपर से नहीं गिरते हैं बल्कि यह वहीं बनता है जहाँ हम इसे देखते हैं। कुहरा, कोहरा एक प्रकार का बादल है। जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे में कुहासे की तुलना में जल के कण अधिक छोटे एवं सघन होते हैं। कुहासा, कुहासा भी एक प्रकार का कोहरा है जिसमें कोहरे की अपेक्षा विजिबिलिटी दूर तक रहती है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक परंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। धुआंसा, बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियों के निकट जब कोहरे में धुएं के कण मिल जाते हैं तो उसे धुआंसा कहते हैं। धुआंसा कोहरे की तुलना में अधिक सघन होता है एवं इसमें दृश्यता और भी कम होती है। बादल, रुद्रोष्म प्रक्रिया द्वारा वायु के ठंडा होने एवं उसके तापमान के उष्मांक से नीचे गिरने के कारण बादलों का निर्माण होता है। इस प्रकार दोस्तों, ये संघनन के रूप थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।